हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर किसके कारण होता है, कैसे होता है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं माउथ अल्सर किसके कारण होता है। यदि आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हुए हैं अपना दांत सीधा करवाने के लिए, तो उसके ब्रेशेस से बार बार आपके मुँह में चुभने की वजह से भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर आपको है, यदि आपको कब्ज बन रहा है, कब्ज की शिकायत है, तो इसके कारण भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, जिसमें विटामिन B12, आयरन, जिंक, इन सब चीज़ों की अगर आपके शरीर में कमी है, तो इसके कारण भी माउथ अल्सर हो सकता है। यदि आप नींद सही से पूरा नहीं कर रहे हैं, नींद की आप जैसे 4 से 5 घंटे सिर्फ सो पा रहे हैं और आपके माइंड पर काफ़ी स्ट्रेस है, तनाव है, उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। यदि आप पानी कम पीते हैं, तो उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, तो उसके कारण भी माउथ अल्सर आपको हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड जैसे मिर्च मसाले वाला अगर आप भोजन ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। यदि कोई महिला है, यदि उसे पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसके कारण भी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का चेंजेज होता है, उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। तो ये कुछ था माउथ अल्सर किसके कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। माउथ अल्सर होने के लिए आप माउथ ओरा स्मूथ का जेल भी यूज कर सकते हैं, और जो कि ये ओरा स्मूथ टैबलेट फॉर्म में भी आता है। ओरा स्मूथ जेल जिसका फार्मूला है क्लोरहेक्सीडीन ग्लूकोनेट मेट्रोनिडाजोल लिकोगेन हाइड्रोक्लोराइड जेल, इसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुंह में घाव हो गया है या फिर अल्सर हो गया है, छाला पड़ गया है, तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक उसको अपने मुंह में रखना है, उसके बाद फिर उसे निगलना नहीं है, फिर उसे बाहर थूक देना है। उसके बाद आपको फिर 5 से 10 मिनट आधा घंटा तक आपको ना कुछ खाना है ना पीना है। दूसरा, आप टैबलेट यूज कर सकते हैं ओरा स्मूथ का, जिसका फार्मूला है फ्लेविन फोलिक एसिड नियासिनामाइड लैक्टिक एसिड बैसिल्स टैबलेट। तो ये ओरा स्मूथ का ये टैबलेट फार्मूला है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। सुबह शाम आप ले सकते हैं, एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में। यदि 18 साल से अगर कम का बच्चा है, तो उसे आप आधा आधा टैबलेट करके आप उसे दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओरा स्मूथ जेल और ओरा स्मूथ टैबलेट के प्राइस के बारे में। का जो 10 ग्राम के पैकेट में हमारे पास अवेलेबल है, इसका प्राइस 50 रुपये है। आपके मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। और ओरा स्मूथ का जो कि 50 रुपये में हमारे पास अवेलेबल है, आई ऊपर नीचे हो सकती है। थैंक यू।